क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर आपको क्या करूँगा, कुछ एक्सपांसन करके दिखाऊंगा रिलेटेड टू द मैक्लॉरिन सीरीज, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि मैक्लॉरिन सीरीज एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर जैसे अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप समझ जाओगे तो आप लोग क्वेश्चन भी इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज लिख लेते हैं। दैट इज एफ ऑफ एक्स क्या होता है आपका, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू क्या होता है एफ डैश ऑफ जीरो प्लस क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस क्या होता है आपका एक्स क्यू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस क्या होगा आपका। इस तरह से आपका फंक्शन क्या रहेगा, इनफिनाइट तक आपका फंक्शन रिपीट होते रहेगा। लास्ट में क्या होगा, एक्स रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एफ रेस टू एन ऑफ जीरो प्लस एन सो वन इन्फिनिटी। राइट है, आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आया होगा, जैसे कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में डिटेल में देखा था। नाउ यहाँ पर देखिए ये क्या एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स को हम लोग किस तरह से समझते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टर इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टर इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस एन सो वन एक्स रेस टू एन अपॉन एन फैक्टर इंटू एफ रेस टू एन ऑफ जीरो एन प्लस सो वन इन्फिनाइट तक ये सीरीज आपका रिपीट होता रहेगा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज। और मैक्लॉरिन सीरीज में देखिए जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है आपका डेरिवेटिव भी उसी तरह से इंक्रीज होते जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल था तो डबल डेरिवेटिव हुआ, सिमिलरली एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल है तो यहाँ पर ट्रिपल डेरिवेटिव हुआ, सिमिलरली यहाँ पर देखिए एक्स रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल है तो nth टाइम्स हम लोग ने डेरिवेटिव किया। राइट है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैक्लॉरिन सीरीज हम लोग क्यों करते हैं, देखिए मैक्लॉरिन सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन का हमें अगर एक्सपांशन करना रहेगा तो ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज का यूज़ करके उस फंक्शन का एक्सपांशन कर सकते हैं। नाउ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एक एक्सपांशन, जिससे कि आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में हर एक फंक्शन का हम लोग ने एक्सपांशन किया है, फिर भी यहाँ पर मैं एक एक्सपांशन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। राइट है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला देखेंगे, हर एक एक्सपांशन का फार्मूला देखेंगे एंड देन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि साइन एक्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक्सपांशन करने वाले हैं बाय यूजिंग द मैक्लॉरिन सीरीज। सिंपल सा है, देखिए साइन एक्स का एक्सपांशन क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट अज्यूम करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, ये फंक्शन क्या आपका साइन एक्स है। तो हमें देखिए क्या करना है, हमें मैक्लॉरिन सीरीज में क्या हमें करना है, मैक्लॉरिन सीरीज में देखिए करना क्या, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या करना है आपको, एक्स की जगह पे जीरो सब्सटीट्यूट करना है एंड यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट डेरीवेटिव, इस फंक्शन का हमें फर्स्ट डेरीवेटिव फाइंड करना है। अदरवाइज कोई भी फंक्शन आपको गिवन रहे, मे बी आपका ट्रैग्नोमेट्री रहे, इनवर्स ट्रैग्नोमेट्री रहे, एक्सपोनेंशियल टर्म्स रहे, लॉगरिथमिक टर्म, कोई भी फंक्शन अगर आपका रहेगा तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको फंक्शन का डेरीवेटिव करना है, डेरीवेटिव फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव तक करना है एंड देन जो भी डेरिवेटिव किया उसमें एक्स की जगह पे जीरो सब्सटीट्यूट करके इस मैक्लॉरिन सीरीज में आपको क्या करना है, सिंपली सब्सटीट्यूट करना है एंड जो भी वैल्यू मिलेगा वही क्या रहेगा, उस फंक्शन का आपका एक्सपांशन रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बात। नाउ यहाँ पर देखिए हम लोग को एफ ऑफ एक्स ये मिला तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन में एक्स की जगह पे जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्लॉरिन सीरीज में क्या करना है, एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है। राइट है, तो एफ ऑफ जीरो करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ जीरो। राइट है, साइन ऑफ जीरो, साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज अ फर्स्ट डेरिवेटिव, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे दैट इज क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज अ वन। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज अ माइनस ऑफ साइन एक्स। नाउ साइन एक्स की जगह पे एक्स की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ जीरो। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ से हो जाएगा जीरो। राइट है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव फंक्शन का करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव क्या करेंगे, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स। बट यहाँ पर देखोगे माइनस साइन है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए थर्ड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, एक्स की जगह पे जीरो सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। बट यहाँ पर माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वन। सिमिलरली यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे, किसका, इस फंक्शन का। हम लोग कब तक डेरिवेटिव करेंगे, हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव मोस्टली 5 to 6 टाइम्स तक डेरिवेटिव करते हैं। आप जितना डेरिवेटिव करोगे उतना आपका क्या रहेगा, एक्यूरेट फंक्शन का एक्सपांशन मिलेगा। बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फोर्थ डेरिवेटिव तक करूँगा देन आपको
आप चाहोगे तो फिफ्थ डेरिवेटिव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ डेरिवेटिव में मैं स्टॉप करूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स था, यहाँ से क्या हो जा रहा है, आपका फंक्शन रिपीट होते जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन एक्स था, यहाँ पर कॉस एक्स हुआ, सिमिलरली यहाँ पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ पर क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर देखोगे साइन एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या आपका फंक्शन साइन एक्स, मतलब अगर आप इसके आगे फिर से करोगे तो आपको क्या मिलेगा कॉस एक्स। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको फंक्शन रिपीट होने लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप करूंगा, यहाँ इसके आगे क्या करूंगा फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं फाइंड करूंगा, राइट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ फोर ऑफ जीरो दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ जीरो, साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। नाउ हम लोग देखिए आगे करेंगे क्या, यहाँ पर जो भी हमें फंक्शन मिला है, इस फंक्शन को यहाँ पर जो भी फंक्शन मिला है एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, एफ फोर ऑफ जीरो, सब फंक्शन का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इस मैकलोरिन सीरीज में हम लोग सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, हमें फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिला है, दैट इज ए साइन एक्स, यह हमें पता है साइन एक्स, हमें एक्सपांशन करना है। एंड एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे। सिमिलरली एक्स एक्स इंटू क्या है एफ डैश ऑफ जीरो, तो एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू कितना मिला, दैट इज़ वन। सिमिलरली यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा एक्स क्यू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, ट्रिपल डैश ऑफ जीरो क्या मिला हमें देखिए माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स रेस टू फोर डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल इंटू क्या मिला फोर्थ डेरिवेटिव दैट इज जीरो। अगर देखिए अब मैंने आपको बोला था कि इसके आगे क्या होगा फंक्शन रिपीट होगा, तो देखिए फंक्शन रिपीट होगा मतलब क्या होगा, फिर से जो वैल्यू यहाँ तक आपको मिला है सेम फिर से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से फिर से रिपीट होता रहेगा। अगर लेट से कि हमें क्या करना है इस फंक्शन को और भी आगे लिखना है, तो कैसे आप लिख सकते हो इस फंक्शन को आगे, देखिए यहाँ पर मिला क्या मिला हमें, मिला जीरो मिला, फिर एक्स मिला, फिर यहाँ पर जीरो मिला, फिर यहाँ पर एक्स क्यूब मिला अपॉन थ्री फैक्टोरियल बट माइनस टाइम माइनस मिला है, फिर से देखिए यहाँ पर जीरो मिला। तो ये फंक्शन देखिए किस तरह से रिपीट हो रहा है, यहाँ पर मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, दैट इज साइन एक्स का वैल्यू हमें किस तरह से मिला, एक्स मिला राइट है, फिर से जीरो हुआ, फिर से हमें क्या मिला माइनस टाइम्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल, फिर से देखिए यहाँ पर जीरो मिला, फिर अगला टाइम्स क्या मिलेगा हमें प्लस मिलेगा, दैट इज प्लस एक्स रेस टू फाइव डिवाइडेड बाय फाइव फैक्टोरियल्स। फिर से अगर आप करोगे तो फिर से आपको डेरिवेटिव क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा हमें, नेक्स्ट टर्म मिलेगा एक्स रेस टू सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल। फिर से अगर आप करना चाहोगे तो फिर से आपका जीरो मिलेगा, फिर से आप करोगे तो इस तरह से आपका ये फंक्शन इन्फाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होता रहेगा। तो दिस इज व्हाट एक्सपांशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का एक्सपांशन ऑफ फंक्शन इस तरह से हमें मिल गया, राइट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एक्सपांशन ऑफ फंक्शन, हम लोग ने इसका इसके पहले लेक्चर में डिटेल्स में हम लोग ने किया था, फिर भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से बता दिया कि हम लोग ने मैकलोरिन सीरीज का यूज़ किस तरह से करते हैं, राइट है। ये जो कि एक्सपांशन ऑफ फंक्शन जो ये हमें साइन एक्स का एक्सपांशन मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी इसका यूज होने वाला है, राइट है। ये हो गया साइन एक्स, इसे याद कैसे करेंगे, देखिए इसे याद करने का तरीका क्या है, एक्स माइनस एक्स की ओपन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल। जैसे जैसे देखिए यहाँ पर एक्स का पावर वन है, यहाँ पर देखिए एक्स का पावर क्या है थ्री है, यहाँ पर एक्स रेस टू फाइव है, यहाँ पर एक्स रेस टू सेवन है, तो ये क्या है एक ऑड टर्म्स है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हो कि ये क्या है ऑड टर्म्स है। तो ऑड टर्म में हम लोग साइन एक्स क्या होता है एक ऑड टर्म होता है, तो उसमें हम लोग किस तरह से लिखते हैं एक्स माइनस एक्स की ओपन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल प्लस एन सो वन, राइट है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकती हो। नाउ यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी हम लोग ने साइन एक्स का एक्सपांशन करना सीखा, राइट है। साइन एक्स का क्या मिला था हमें एक्सपांशन, दैट इज एक्स माइनस एक्स की ओपन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स एस टू फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स एस टू सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल, राइट है यहाँ तक। नाउ हम लोग क्या करेंगे साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या एक्स माइनस एक्स की ओपन थ्री फैक्टोरियल जब भी आप हाइपरबोलिक फंक्शन रहेगा, हम लोग ने इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने प्रूव भी किया था रिलेटेड टू साइन हाइपरबोलिक एक्सपांशन कैसे करते हैं बाय यूजिंग द मैक्लॉरिन सीरीज। तो हमें क्या मिला था एक्स प्लस एक्स की ओपन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स एस टू फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल प्लस एक्स एस टू सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल, इस तरह से क्या हुआ देखिए जो भी साइन एक्स का टर्म्स था सिमिलरली सिंपली क्या करना है, जो भी निगेटिव साइन है सबका क्या करना है आपको पॉजिटिव साइन में लिखना है, राइट है। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस था, यहाँ पर सिंपली क्या करना ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स क्या है एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटू एक्स की ओपन थ्री प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री बाई फोर इंटू एक्स रेस टू फाइव अपॉन फाइव,
अगर देखिए, अगर आपको नेक्स्ट टर्म लिखना होता तो आप कैसे लिखते थे, 1/2 इंटू 3/4 इंटू क्या करते थे आप, 5/6 इंटू x^6 x^7/7, इस तरह से आप क्या करते थे, नेक्स्ट टर्म लिखते थे साइन इनवर्स। यहाँ पर देखिए जो भी स्टार मार्क किया गया है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो स्टार मार्क सिंपल सिंपल है, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स का हम लोग ने एक्सपांसन देखा था, क्या मिला था हमें, 1 - x^2/2 प्लस x^4/4 - x^6/6। ये क्या आपका एक इवेंट टर्म्स है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी एक्स का पावर है वो 2, 4, 6 एक इवेंट टर्म्स में, इसलिए हम लोग ने इसे नाम दे दिया कॉस टर्म्स को इवेंट टर्म्स, दैट इज 1 - x^2/2 प्लस x^4/4। सिंपली जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स का ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी क्या होता है, सेम, ऑल साइन आर सेम, साइन फंक्शन साइन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा, दैट इज 1 + x^2/2 प्लस x^4/4। यहाँ पर देखिएगा साइन यूनिवर्स एक्स क्या मिला था हमें, x + 1/2 × x³/3, राइट है। यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स क्या मिलेगा आपको, π/2 माइनस क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि आपको पता है फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, π/2। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या होगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है आपको, x + 1/2 × x³/3 प्लस 1/2 × 3/4 × x^5/5। ये हो गया आपको इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू। आपको इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर आप मुझे मेल करोगे तो आपको उस मेल ID पर आपको क्या कर दूंगा, इस सारे फंक्शन के फॉर्मूले को आपको PDF के हेल्प से आपको आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप मेल कर दीजिएगा, मैं आपको इस फंक्शन का आपको PDF सेंड कर दूंगा। नाउ यहाँ पर देखिए टेन एक्स क्या गिवन है, x + x³/3 प्लस 2/15 × x^5/15, राइट है। यहाँ पर टेन एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला, x + x³/3 प्लस 2/15 × x^5। ये जो कि आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर खाली आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ, खाली आपको देखना है एक बार जो भी है, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो वहाँ पर ये सब यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के रखा हूँ कि आपको समझना है। देखिए यहाँ पर स्टार मार्क क्या है, log(1+x) क्या होता है, x - x²/2 प्लस x³/3 माइनस x^4/4 प्लस x^5/5। सिमिलरली अगर आप log(1+x) की जगह पे 1 - x रखोगे तो क्या करोगे, सिर्फ क्या करना है, x की जगह पे -x सब्सटीट्यूट करना है, तो आपको क्या मिलेगा, ऑल टर्म्स आर नेगेटिव। तो इस तरह से आपको log(1 - x) मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए e^x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1+x प्लस x²/2 प्लस x³/3, जो कि स्टार मार्क इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, 1+x^2m क्या होता है, 1+mx प्लस m·m−1/2 × x² प्लस m·m−, जो कि हम लोग ने इससे पहले लेक्चर में प्रूफ किया था, सेम आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब ना यहाँ पर देखिए, अगर आप m की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 1 - x प्लस x² - x³ + x^4। सिमिलरली यहाँ पर देखिए +x था, यहाँ पर अगर आप -x सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1+x प्लस x² + x³ + x^4, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। जो भी स्टार मार्क किया हूँ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इस तरह से आपको याद रखना है, मैंने खाली आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दिया यहाँ पर, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, एंड नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद ये मैक्लॉरिन सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेलर सीरीज पढ़ेंगे, टेलर सीरीज भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ना यहाँ पर स्टॉप कीजिएगा, कुछ भी डाउट होता है इससे रिलेटेड और प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड भी कुछ भी डाउट होता है, कुछ आपको फंक्शन का एक्सपेंशन करने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ना मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।